নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধানকে সামনে রেখে বিশেষ একাত্মতা যাত্রা 16 থেকে 18 ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রীয় একাত্মতা যাত্রা উপলক্ষে শিলিগুড়িতে আন্তঃরাজ্য ছাত্র জীবন দর্শন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। উত্তর পূর্ব ভারতের ছাত্রছাত্রীদের গোটা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সংস্কৃতি খাদ্যাভ্যাস জীবনযাত্রা প্রত্যক্ষ করানোর জন্য 1966 সাল থেকে শুরু হয়েছে রাষ্ট্রীয় একাত্মতা যাত্রা। নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে দেখো মিলনও মহান। কবির এই চিন্তন থেকে স্টুডেন্টস এক্সপিরিয়েন্স অফ ইন্টারস্টেট লিভিং শুরু হয়। উত্তর পূর্ব ভারতের 7টি রাজ্য অসম, ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, অরুণাচল প্রদেশ, মণিপুর, মেঘালয় থেকে প্রায় 480 জন ছাত্রছাত্রী দেশের বিভিন্ন রাজ্য পরিভ্রমণের উদ্দেশ্যে গত 1 ফেব্রুয়ারি অসমের রাজধানী তথা উত্তর পূর্ব বাণিজ্যিক শহর গুয়াহাটি থেকে রওনা দেয়। দেশের বিভিন্ন রাজ্য পরিক্রমা করে উত্তর পূর্ব ভারতের 30 সদস্যের এক প্রতিনিধি দল নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে পৌঁছয়। সেখানে বাঙালি সংস্কৃতি অনুযায়ী তাদের উষ্ণ অভ্যর্থনার সাথে স্বাগত জানানো হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় একাত্মতা যাত্রার উদ্দেশ্য হল উত্তর পূর্ব ভারতের ছাত্রছাত্রীদের সাথে সমগ্র ভারতের আত্মিক বন্ধন তৈরি করা। বহুত হি জ্যাদা আচ্ছা হ্যায়, খাস করকে হোস্ট ফ্যামিলি জ্যাদা আচ্ছা হ্যায়, ইতনা প্যার করতে হ্যায়, বহুত আচ্ছা হ্যায়। नीली चकमा, नीली चकमा मिजोरम से हूँ। मिजोरम। नमस्ते, मेरा नाम इंकी सतोला, मैं असम से हूँ। इंकी सतोला, इंकी सतोला, इंकी सतोला, इंकी सतोला, इंकी आई एन के आई इंकी सतोला। सभी दोस्त के साथ एडजस्ट हुआ और बहुत अच्छा है दोस्त। उसके बाद हम लोग उड़ीसा गए, उड़ीसा में हम लोग को बीच लेके गया और कॉलेज भी लेके गई थी। खास करके बहुत इंग्लिश भी नहीं आती है और हिंदी भी नहीं आती है, उन लोग के भाषा हम लोग को नहीं आती है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया और इशारा करना पड़ता है। वो कुछ चाहिए तो इशारा करना पड़ता है, जैसे पानी इसे वाटर इसे करना पड़ता है। और केरला इतना गर्म है, इतना गर्म है, ऊपर से हम लोग को स्टोर के सेल के बारे में तो मेरा तो सडनली प्लान हुआ था जब मैं गुवाहाटी में थी। मैं गुवाहाटी से ही आई हूँ, गुवाहाटी में पढ़ती हूँ। उसके बाद गुवाहाटी से आके डायरेक्ट वहाँ पे हम लोग का ग्रुप डिवाइड कर दिया था। उसके बाद हम लोग पहले भुवनेश्वर में आया ओडिशा में, आफ्टर दैट हम लोग केरला में आया। ओडिशा में भी इतना अच्छा लगा क्योंकि हम लोग का सडनली पूरा इतना अच्छे से हम लोग का वहाँ पे क्या बोलेगा पूरा वहाँ पे रखा, हम लोग का फैमिली मिला, अपना खुद के जैसा ख्याल लगा, बेटी की तरह, खुद के बेटी की तरह अच्छा लगा वो सब कुछ भी। बीच देखा, बीच में घूमा, मंदिर लेकर गया। उसके बाद हम लोग केरला में आया, केरला में भी इतना सब अच्छा ही था, फैमिली मिल गया, हम लोग बोटिंग करने गया। उसके बाद कल्चरल इंटरसेंस होता है तो इस साल सील कार्यक्रम का इतिहास में सबसे बड़ा है, क्योंकि जैसे कि हम लोग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस मना रहे हैं और एबीवीपी भी इस साल 75 ईयर्स ऑफ मना रहा है, तो इसके नाते हम लोग 450 डेलीगेट्स इस बार दिया गया है, जिनमें से हम लोग का 16 ग्रुप में डिवाइड हुआ है और 16 ग्रुप में हर ग्रुप में 29 ऐसा विद्यार्थी है और हर ग्रुप 4 स्टेट विजिट करेगा और टोटल हम लोगों का 22 स्टेट घूमना होगा और उनमें से 64 प्लेसेस हम लोगों को विजिट करने को मिलेगा, जिनमें से हमारा इस साल इनोग्रेशन हमारा गुवाहाटी में हुआ था आपका, उसमें एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ आसाम रणेश पेगो भी उपस्थित था और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 2 राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री उपस्थित था, प्रफुल्ल आकांत जी और गोविंद नायक जी। ऐसे करके 1 फरवरी को 1 फरवरी का हम लोग का इनोग्रेशन सेशन हुआ था, जो कि 1 फरवरी से 20 फरवरी तक चलेगा और हमारा ग्रुप जो कि हम लोग क्योंकि 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हम लोग का इस बार जो ग्रुप डिवीज़न हुआ है, हर ग्रुप में हम लोग जितना भी नॉर्थ ईस्ट का फ्रीडम फाइटर था उन लोगों के नाम से दिया गया है। जैसे कि हमारा ग्रुप का नाम है हाइफो जादोनांग मलंगमाई, जो कि मणिपुर का था और एक नागा वॉरियर था, जो कि इंडिपेंडेंस से पहले द फेमस हरक्का आर्मी को भी फॉर्म किया था उन्होंने। तो वैसे हमारा ग्रुप 4 स्टेट घूमेगा, जैसे कि हम लोग 1 फरवरी से भुवनेश्वर पहला जो डिस्ट्रिक्ट था भुवनेश्वर ओडिशा प्रांत में गया था, वहाँ पे 3 दिन रहना हुआ था। उसके बाद केरला,
कोड़ीकोट वहाँ पर भी 3 दिन रहना हुआ। उसके बाद नासिक, जो कि रिसेंटली हम लोग जाके आए हैं, नासिक महाराष्ट्र प्रांत में मौजूद है, वहाँ पे हम लोग हाइस 4 डेज वहाँ पे स्टे किया था। और ये हमारा आखिरी प्रांत है जो कि वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी। हम लोग यहाँ पे 3 दिन रहेंगे। 3 दिन में हम लोग विभिन्न यहाँ पर कल्चर किया है। और यहाँ सील का विशेषता ये है कि हम लोग यहाँ पे किसी हॉस्टल या किसी लॉज में नहीं रह के, यहाँ का जो लोकल फैमिली है, जो हमारा कल्चर जो ट्रेडिशनल बिलीव करता है, उन लोगों का घर में रह के उन लोग का खान पान क्या है वो डिसाइड करते, वो सीखते हैं। और हमारा भी ट्राइब का जो कि हम लोग 7 स्टेट से आए नॉर्थ ईस्ट, जहाँ में बहुत सारा विभिन्न ट्राइब है, और इस ग्रुप में हम लोग का 22 ट्राइब भी उपस्थित है। तो हमारा ट्राइब कैसे होता है, हमारा लैंग्वेज में नमस्ते को कैसे करते हैं, ऐसा विभिन्न लैंग्वेज या कल्चर जो एक्सचेंज करते हैं, ऐसा करके रहते हैं हम लोग। तो हमारा 2-3 कार्यकर्ता है जो कि हमारा अनुभव गतन करेगा कि 3 स्टेट में कैसे कैसे उन लोगों को लगा है। तो